तो इन सब चीज़ों को देखते हुए और सिलेबस को भी हमने 30% कम करने का निर्णय ले लिया है, तो हम कल तक उसको भी भिजवा देंगे कि भाई 30% आप सिलेबस कम कीजिए, 2-3 महीने पढ़ाई नहीं हो पाई। अब जब हम सितंबर में आ गए और जून से जब स्टार्ट होती है क्लासेस, तो वो भी हम लोग करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि कोरोना के कारण से जो पढ़ाई बाधित हुई है, और आगे कल को हमें कोई दिक्कत नहीं आए, आगे ईश्वर ना करे, लेकिन अगर कोरोना की तीसरी वेव आ जाती है, तो उसके लिए भी हमने हमारे विभाग की तरफ से प्रिपरेशन की है, और हमने हर मंथली इसके टेस्ट वगैरह रखे हैं, जिससे जब बच्चे को ज़रूरत पड़े तो हम उसका एनालिसिस, उसकी बुद्धि का कैसे कर सकें, उसकी क्षमता का कैसे कर सकें, उसका भी मूल्यांकन करने के लिए भी हमने आधार रखे हैं, जिससे अगर 10वीं और 12वीं की एग्ज़ाम्स या किसी भी क्लास की एग्ज़ाम अगर हम नहीं करा पाएँ, तो पीछे हमारे पास में ऐसा मटेरियल होना चाहिए कि उस बच्चे में कितनी क्षमता और उसको कितने प्रतिशत तक अंक आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ